सर कॉन्क्लूजन इज लेफ्ट ओके ओके यस यस प्लीज प्लीज यस डायग्राम टाइम लेगा इसीलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ओके सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन पी वाई क्यू राइट यस सो दिस इज बेस्ड ऑन पी वाई क्यू सिमिलर क्वेश्चन सो वन क्वेश्चन वॉज आस्ड इन ट्वेंटी टू रिगार्डिंग फोर्सेज and second question regarding uh, their impact on marine life and environment right so on the basis of these two questions a question frame here so analyze the factors influencing ocean currents and their impact on global climate pattern and marine ecosystem so this is the question 15 marker to 50 words so what is the keyword keyword is ocean currents it is clearly visible

सर मैंने मैंने जैसे क्या मैं वैसे बता देता मैंने इंट्रोडक्शन किया ओशन सिंपल इंट्रोड्यूस कर, दिया, कर दिया। फिर सर, मेरे दो थी, या तो कर मैंने पांच छह पॉइंट लिखे और फिर डायग्राम बनाई इम्पैक्ट नो नो सर उसके बाद डायग्राम no, no, बनाईग्राम यस सर डायग्राम डायग्राम के बाद जैसे ही डायग्राम बनाई उसमें हाईलाइट कर दी जो इम्पोर्टेंट ओशन करंट से और उनकी डायरेक्शन भी फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट एक हेडिंग ये थी ऑन ग्लोबल क्लाइमेट इसके अंदर दो पॉइंट और उनके एग्जांपल फिर इम्पैक्ट ऑन मेरीन इकोसिस्टम और उसके अंदर तीन पॉइंट फिर कंक्लूजन और इनके हर एक पॉइंट के साथ साथ एग्जांपल जो मुझे याद थी जैसे मैरीन में फिशिंग वाला हो गया न्यूट्रं हो गया कोरल रीफ हो गया और क्लाइमेट में जैसे गल्फ स्ट्रीम का हो गया वेस्ट कोस्ट oh. ये की बात अभी नहीं कर रहा हूँ सर दिस इज योर स्ट्रक्चर राइट एनीवन एल्स देयर एनीवन जिसने थोड़ा सा अलग किया हो सो यस सेम ठीक है डायग्राम इट्स इट्स योर चॉइस है ना उसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है यस यस विपिन यस yes, विपिन कहा गया विपिन यस yes, विपिन यस yes, विपिन डू यू वॉन्ट टू से समथिंग

इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न ये बताना पड़ेगा एंड मरीन इकोसिस्टम तो जो यासिर का स्ट्रक्चर है इट्स गुड राइट इट्स गुड अब देखो बात करते हैं वैल्यू एडिशन की राइट सो ओशन करंट डेफिनेटली यू हैव टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप शोइंग डिफरेंट ओशन करंट एटलीस्ट वो तो डाल ही दो जिसके एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो राइट अलोंग विद डायरेक्शन वो वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है यह आपको मैंशन करना पड़ेगा इसके बाद एग्जाम्पल्स यू कैन गिव राइट अब देखो यहां पर चैलेंज क्या है कि स्पेस कम है इन कॉन्टेंट ज्यादा है दिस इज द चैलेंज राइट तो आई एग्री विद यासिर कि जैसे जो पार्ट नंबर टू है पार्ट नंबर थ्री है इसमें राइट लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स आप फाइव सिक्स पॉइंट्स लिख सकते हो बट उतना स्पेस नहीं है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थ्री पॉइंट्स है फोर है जिसमें यू हैव एग्जांपल उनको आप मेंशन करिए तो बेसिकली दीज थ्री पेजेस आर देयर विद यू फर्स्ट राइट सेकेंड पेज इज देयर एंड दिस इज थर्ड पेज राइट तो यहां तक तो क्वेश्चन आ जाएगा उसके बाद इंट्रो एंड देखो सिंस बहुत सारा कंटेंट है तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इंट्रोडक्शन में जस्ट डिफाइन ओशन करंट क्या होती है राइट इंट्रोडक्शन ठीक है देन मेंशन फैक्टर्स सो फोर फाइव फैक्टर्स आर देट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है टू द पॉइंट लिखो एंड गिव वन एग्जांपल तो फैक्टर्स यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा इन दिस पेज ओनली उसके बाद यहां तक आपका मैप आ जाएगा राइट right? कुछ ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग राइट देन इंपैक्ट ऑन वेदर राइट तो ये यहां तक ले लो या पूरा आप यूज कर सकते हो देन इंपैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम यहां तक और फिर आप कंक्लूड कर दो राइट right? तो इस तरह से स्पेस को आप मैनेज कर सकते हैं राइट right? देखो दिस स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो देखो करना क्या है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन सो बैक ऑफ योर माइंड ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाउ मच स्पेस यू आर गिविंग टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट बिकॉज जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे उसके बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सो पैरेलली यू हैव टू प्रैक्टिस राइट कि कितना स्पेस मुझे देना है बिकॉज जहां पे कंटेंट होगा वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं जहां पे कंटेंट नहीं है वहां पे इतना इश्यू नहीं होगा बट इफ यू हैव मोर कंटेंट बट टाइम सफिशियंट नहीं है या स्पेस सफिशियंट नहीं है देन यू हैव टू डिसाइड दिस इज दिस क्लियर टू एवरी वन दिस स्पेस मैनेजमेंट डायग्राम वी नीड टू ड्रॉ इट इज अप टू यू दिव्यांशु उससे कोई परेशानी नहीं है राइट right? आप पहले बना दो चाहे बाद में बना दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना कोई आपके मार्क्स कटेंगे नहीं डोंट वरी अबाउट दैट राइट बट यस डायग्राम शुड बी देयर डायग्राम शुड बी देयर इज दिस क्लियर टू एवरी वन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहां तक तो इस लाइन पे स्पेस मैनेज हो जाएगा यस एवरी वन टेल मी नो लेबलिंग द कॉन्टिनेंट नॉट नेसेसरी ओनली द ओशन करंट्स ड्रॉ इक्वेटर एंड ओशन करंट्स देर डायरेक्शन दैट सॉल्व इन ब्रैकेट यू कैन राइट कोल्ड करंट और वार्म करंट लेबलिंग ऑफ कॉन्टिनेंट इज नॉट नेसेसरी राइट नॉट नेसेसरी अच्छा इससे स्पेस मैनेज होगा कि नहीं होगा प्लीज टेल मी हो जाएगा ना ये जो मैंने आपको बताया इतना ही लगेगा राइट यस एवरी वन टेल मी डू यू एग्री विद दिस यासिर दिव्यांशु विपिन नरेंद्र साक्षी विपिन वही तो कहा दिव्यांशु ने भी वही किया है यस यू यू कैन डू कोई इशू नहीं है चलो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की राइट सो इंट्रो में सिंपली डिफाइन देखो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं व्हेन यू एनालाइज पी वाई क्यूज यू विल फाइंड कीवर्ड्स सो इफ पॉसिबल प्लीज प्रिपेयर द डेफिनेशन इन एडवांस राइट तो वहां पर सोचने में टाइम नहीं लगाना तो ऑप्शन करेंट्स क्या होती है दे आर लार्ज मासेस लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वॉटर दैट सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न रेगुलर पैटर्न अराउंड द ओशियंस ये मैंने कहां से लिए जीसी लियो है ना वहां पर दिया हुआ है तो वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं राइट सो दिस इज द इंट्रोडक्शन उसके बाद अब देखो एक चीज यह हो सकती है कि यू आर राइटिंग ड्राइवर्स दिस इज योर हेडिंग और इसमें आप डायग्राम बना रहे राइट right? उसके बाद यू आर द फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी ई अगेन ए बी सी डी ई तो ये सही नहीं है बिकॉज यहां पे स्पेस लिमिटेड है तो इसकी जरूरत यहां पे है नहीं राइट स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर तो हेडिंग डालो ड्राइवर्स और फोर्सेज राइट right? जो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है फोर्सेज इंफ्लुएंसिंग ओशन करंट्स राइट तो डालो फोर्सेज इंफ्लुएंसिंग ओशन करंट्स जैसे फर्स्ट क्या है विंड अब ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है यहां पे सो so, डायरेक्शन ऑफ विंडाइड्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट दैट सॉल्व सिंगल लाइन एंड गिव वन एग्जाम्पल आप एनई सी या एसई सी किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट बस इतना ही एक लाइन में क्या इंपैक्ट होता है ठीक है एंड दूसरा उसका एग्जाम्पल इज दिस क्लियर बिकॉज स्पेस का कंस्टेंट है यहां पर कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सी वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो साक्षी देखो द पॉइंट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी चाहिए राइट ओके तो मैं ये कहूंगा कि इसको मत लिखिए एनसीआरटी uh, में जो डेफिनेशन है या फिर uh, जो जीसी लियोग में प्लीज आप उसको यूज करिए है, है ना देखो ऐसा होगा कि कुछ डेफिनेशन आपको बनानी पड़ेंगी वहां पे बट ऑप्शन करेंट की तो आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो ये फोर्सेस क्लियर हुए जैसे विंड हो गया और क्या होता है फोर्स कोरियोलिस थर्ड क्या हो सकता है आपका डेंसिटी डिफरेंस फोर्थ आपका ग्रेविटी इस तरह से फोर फाइव पॉइंट्स यू कैन राइट फाइव पॉइंट यस लैंडमार्स जैसे कि जो आपका ये है सी सी काउंटर इक्विटोरियल करंट है ना सो लैंडमार्स जैसे कि आपके मिड ओशनिक रीजन हो गए है ना जो कोस्ट लाइन है ये भी डिसाइड करती है बट दैट इज दिव्याशु दे देर आर टू थिंग्स पॉजिटिव फैक्टर्स एंड मोडिफाइंग फैक्टर्स राइट तो मास जो है वो आएगा मॉडिफाइंग फैक्टर में इट इज नॉट पॉजिटिव फैक्टर इस चीज का ध्यान रखना है ना दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू राइट दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन यस शेप ऑफ कोस्टाइन बट दैट विल नॉट कॉज दैट कैन मॉडिफाई है ना इस चीज का ध्यान रखना सो so लैंडमार्स तो ये चीज हो गई उसके बाद यू कैन ड्रॉ यू कैन ड्रॉ द मैप वर्ल्ड मैप आप ड्रॉ कर दो उसमें जो इंपॉर्टेंट ओशियन करंट्स प्लीज आप उनको मेंशन करिए विद विद डायरेक्शन एंड ब्रैकेट में लिख दो कोल्ड या फिर वार्म करंट ठीक है उसके बाद क्या आएगा आफ्टर दैट ओशियन करंट्स हेडिंग डालो ओशियन करंट्स रेगुलेटिंग अच्छा क्वेश्चन में क्या है एक बार मैं देख लू ओशियन इम्पैक्ट सॉरी इंपैक्ट ऑफ ओशियन करंट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न या सिंपली यू कैन राइट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न वो भी चलेगा बिकॉज बहुत कुछ लिखना है इसमें राइट right? तो बताओगे मुझे एनी वन क्या इंपैक्ट होता है प्राइमरी uh, सेकेंडरी से अच्छा यासिर uh, जो हमें पढ़ाया गया था वाजीराम में मनोजा uh, सर ने वो क्या था कि कॉजेटिव फैक्टर्स एंड मॉडिफाइंग फैक्टर्स राइट सो प्रेसिपिटेशन यस ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट वेरी गुड सो ओशन करेंट्स एक्ट एज बेल्ट तो देखो बेल्ट इज ए की टर्म इसको यूज करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए यस यस विपिन यू यू वांट टू समथिंग ऑडिबल आर रिगार्डिंग द दफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट लाइक फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब एंड देन आइस फ्री coast ice free ports in uh, the britain and then formation of like upwelling and downwelling yes dekho yahan pe heading dalo hai na heading uske baad description then example right to jaise tumne kaha north Atlantic drift वाला ना वो example दे सकते हो रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना वहां से कोल्ड uh, एरिया में वार्म वार्मेम्परेचर हो जाएगा तो मॉडरेटिंग इफेक्ट हो जाता है यस yes, डेजर्ट वाला बता सकते हो जो वेस्टर्न कोस्ट है ठीक है सिमिलरली जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर रेनफॉल साइक्लोन फॉर्मेशन यस तो बेसिकली पाइलिंग अप ऑफ वार्म वाटर उससे क्या होगा साइक्लोन आएंगे तो ये थ्री फोर पॉइंट आप लिख सकते हैं यू आर राइट एंड गिव एग्जाम्पल्स ओके तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हीट ट्रांसफर हो गया प्रेसिपिटेशन हो गया डेजर्ट हो गया तो ये तीन तो होने चाहिए थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन उसके बाद स्पेस है तो आप साइक्लोन की बात भी कर सकते हो बट दीज थ्री शुड बी देय राइट वैसे होने में तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फॉग फॉर्मेशन राइट तो जहां पे कोल्ड और वार्म करेगी वहां पर फॉग फॉर्मेशन होता है राइट तो अगर स्पेस है तो आप लिख लीजिए अदरवाइज इसको छोड़ दो है ना बिकॉज इफ यू प्रायटाइज ठीक है भाई ये पांच पॉइंट है कौन से तीन लिखोगे तो फर्स्ट थ्री वही होंगे साइक्लोन एंड फॉग फॉर्मेशन आप उसको स्किप कर सकते हो राइट इज दिस क्लियर टू एवरी या फिर आप ऐसा कर सकते हो जो थ्री पॉइंट है उनको अच्छे से बताओ उसके बाद ऐसे कर दो अदर पॉइंट्स फॉर्मेशन एंड ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन्स राइट बस केवल हेडिंग डाल दू तो यह सब स्मार्ट तरीके हैं ना नंबर लाने के तो इसमें स्पेस भी बच जाएगा एंड आपका पॉइंट भी आ जाएगा राइट right? क्लियर है देन इंपैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम वो अपवेलिंग यहां पे अच्छा पॉइंट है राइट विपिन अपवेलिंग होगी तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर कोस्ट है ना तो वहां पे वही चीज है अपवेलिंग हो गई ठीक है अपवेलिंग से क्या हुआ आए तो वहां पे आ, आपको डायवर्सिटी दिखेगी बायोडायवर्सिटी मरीन डायवर्सिटी राइट मरीन बायोडाइवर्सिटी राइट बताओ और क्या पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ पे न्यूट्रिय रिसाइकलिंग राइट फिशिंग फिशिंग इंडस्ट्री हो जाएगा और क्या हो सकता है माइग्रेशन लिख सकते हो माइग्रेशन माइग्रेशन न्यूट्रिय सप्लाई ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट फिशिंग इंडस्ट्री तो ये ये सब आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं राइट right? तो दो तीन पॉइंट काफी है ओके okay. कैसे कंक्लूड करोगे ये बताओ हाउ यू विल कंक्लूड हाँ विपिन बताओ सर कैन वी एड वन point that uh, it the ocean currents help marine creatures to move through a large distance uh, there is a movie finding nemo so usme mere pata pehla point hi wahi tha migration First point so, wahi uh, in which header will it come like uh, यहाँ पे हेडिंग की जरूरत नहीं है या सिंपली आप लिख दो ना क्या दिक्कत है आप सिंपली लिखो इन्फ्लुएंस टू टू हेडर्स वर Global climate and marine हाँ, मरीन में, में आपको लिखना है मरीन मरीन में आपको लिखना है इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन ऑफ मरीन पॉपुलेशन राइट मरीन पॉपुलेशन दिस विल बी योर पॉइंट राइट ये मैंने सबसे पहले यही बताया था ठीक है और करियर ऑफ कैरियर ऑफ डिजॉल्व और टू एंड ऑर्गेनिक मैटर दो यहां पे सब में एग्जाम्पल नहीं देना है आपने ऊपर बहुत एग्जाम्पल दे दिए ठीक है अब आपने को आंसर भी खत्म करना है और न्यूट्रिय सप्लाई एग्जाम्पल अपवेलिंग ठीक है एंड ग्राउंड फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिश इसको फर्स्ट पॉइंट डाल दो है ना दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट इसमें एग्जांपल डाल दो कुरोशियो हो गया है ना जापान कोस्ट पे जो दो करंट मिलती है ये आपका न्यू फाउंडलैंड हो गया है ना यूएसए के वहां पे लेब्राडोर और कौन सी मिलती है वहां पे गल्फ स्ट्रीम राइट यस लेब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम तो इसने एग्जांपल्स दे दीजिए अब कैसे कंक्लूड करोगे बताओ कंक्लूजन यस टेल मी एवरी वन एक तो सिंपल सा कर सकते हो जो क्वेश्चन है कि दस ओशन करंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अर्थ क्लाइमेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन लाइफ कर सकते हो क्या ऐसे सिंपल सा कॉन्क्लूजन है और आप लोगों ने कैसे किया आप मुझे बताओ तो स्टैंडर्ड वन यूज सर स्टैंडर्ड वन विच वन नॉलेज इज यस 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 सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट यस यासिल तो बिल्कुल सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओशन करंट्स क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ये आप हर जगह फिक्स कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट राइट इस तरह से आप यूज कर सकते हैं तो या सिर्फ वेरी गुड ओशियन करंट गार्बेज पैचेस यार ये सब लिखने की क्या जरूरत है है ना बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आप इश्यू बता रहे हैं आई डोंट थिंक कि इशू आपको बताना चाहिए कंक्लूजन में दिव्यांशु स्टैंडर्ड uh, वन कौन सा है uh, यही वाला दिस वन ओके ओके ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं राइट right? तो इस तरह से यू कैन अटेम्प्ट यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ये हो गया ना कोई डाउट कोई कंसर्न किसी को इधर एनी डाउट एनी कंसर्न टू एनी वन इन दिस क्वेश्चन यस यस डेफिनेटली और मैं भी आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट दे रहा हूं राइट right? तो वही करना भी है ठीक है वही करना भी होता है राइट right? uh, यासिर चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें अटेम्प्ट सेकंड क्वेश्चन वन हैव यू अटेमेड द सेकेंड क्वेश्चन इट्स ए टेन मार्कर क्वेश्चन राइट विच करंट देखो द पॉइंट इज नंबर वन जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो इन योर मेन बॉडी वो तो डाल ही दो कम से कम राइट right? <laughs> तो वो तो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए सो इफ यू आर मैंशनिंग नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम डेट शुड बी देयर इफ यू आर मैं सी एस ई सी सीई सी दैट शुड बी इन योर डायग्राम एंड मैं ये कहूंगा कि यार एक एक तो दिखा दो हर कॉन्टिनेंट में राइट बेंगूला दिखा दो पेरूवियन दिखा दो राइट कैलिफोर्निया दिखा दो कैनरी दिखा दो और नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट दिखा दो राइट तो इधर से जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है वो आप दिखा दीजिए तो एक एक आप दिखा दो यार है ना